आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आप कभी न कभी मेडिकल स्टोर केमिस्ट के पास कोई दवा लेने जरूर गए होंगे। वहां पर आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयां होती हैं। लेकिन जैसे ही आप मेडिकल स्टोर वाले को पर्ची देते हो वो कुछ ही मिनटों में आपकी दवा लाकर आपको दे देता है। वो ऐसा कैसे कर पाता है? निश्चित रूप से उसने अपनी सारी दवाइयों को एक सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है और इसीलिए वो कुछ ही समय में ढूंढकर आपको दवाइयां लाकर दे देता है। इससे उसकी समय तो बचता ही है, साथ ही साथ उसकी ऊर्जा भी बचती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि किराने स्टोर में भी अलग अलग पदार्थों के गुणों के आधार पर उन्हें जो किराना स्टोर का मालिक है अलग अलग जगह पर रखते हैं। जैसे राशन या चावल दाल को किसी अलग जगह पर रखते हैं, ये तेल को अलग जगह पर रखते हैं, मसालों के अलग जगह होती है। ऐसा करने से उन्हें सामान को ढूंढने में कम समय लगता है और बड़ी आसानी से वो कम समय में अपने कार्य को संपन्न कर पाते हैं। यही सुव्यवस्थित वर्गीकरण का आधार हमारे वैज्ञानिकों ने भी अपनाया। आप जानते हैं कि हमारे पास तत्वों की संख्या जो अब है 118। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही थी उनके गुणों का सुव्यवस्थित अध्ययन करना कठिन होता जा रहा था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसे सुव्यवस्थित ढंग से गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया, जिसे आज आप देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में। लेकिन ये जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो विस्तृत रूप आप देख रहे हैं, इसकी रचना बहुत कम समय में नहीं हुई, इसे बनाने में बहुत अधिक समय लगा और बहुत से वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं वर्गीकरण की कहानी, कहां से शुरू हुई और कैसे हम इस आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुंचे। आपको याद होगा कक्षा 9वीं में आपने परमाणु की कहानी पढ़ा था। परमाणु की कहानी कितनी पुरानी, और उसमें हमने देखा था कि तत्व को या पदार्थ को तत्व के रूप में पहचाने जाने में ही हमें काफी समय लग गया। सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व बताया कि इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन अरस्तु के द्वारा बताए गए ये 5 तत्व लंबे समय तक स्थिर नहीं रहे। आगे वैज्ञानिक धीरे धीरे शोध करते गए और आगे चलकर लगभग 1627 से 1691 ईस्वी पर जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे बॉयल, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि अरस्तु के द्वारा बताए गए ये जो तत्व हैं, वह मान्य योग्य नहीं है। आगे चलकर 18वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर ने वास्तव में तत्व को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सूक्ष्म पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस तरह से अरस्तु के द्वारा बताए गए जो जल है उसे हम तत्व नहीं कह सकते। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित किया जा सकता है। और इस तरह एंटोनी लेवेजियर ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तथा इसके अलावा और भी कई तत्वों की पहचान की। तो इस तरह से तत्व की पहचान हो जाने के पश्चात या तत्व को परिभाषित कर लेने के पश्चात विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज होती गई और उनकी पहचान होती गई। धीरे धीरे हमारे पास तत्वों की संख्या बढ़ने लगी। और इतना ही नहीं, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेवेजियर थे उन्होंने ही उस समय ज्ञात लगभग 33 तत्वों को पहली बार सूचीबद्ध किया और उन्होंने उन 33 तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित भी किया। उन्होंने कुछ तत्वों को धातुओं के रूप में पहचान की और कुछ तत्वों को अधातुओं के या गैर धात्विक तत्वों के रूप में पहचाना। उन्होंने कहा जैसे कि लेड, आर्सेनिक, सिल्वर ये सभी धातु हैं और बाकी के जो तत्व हैं वो अधातुओं के अंतर्गत आते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले से ही तत्व के वर्गीकरण की रूपरेखा शुरू हो गई थी। लेकिन तत्वों के वर्गीकरण को एक नई दिशा तब मिली जब सन 1808 में जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, जिसमें उन्होंने बताया कि तत्व के गुणों तथा उसके परमाणु द्रव्यमान में एक विशेष संबंध होता है। यह जान लेने के पश्चात वैज्ञानिकों को एक आधार मिल गया तत्वों को वर्गीकृत करने का। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आगे चलकर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। तो वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे? सबसे पहले तो हम नाम रखेंगे लेवेजियर का ही, क्योंकि तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत भले ही सीमित तौर पर थी लेकिन उन्होंने ही की थी। इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण था वह था डोबेराइनर का, जिसे हम डोबेराइनर का त्रिक नियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने, जिसे हम न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद कुछ प्रयास लोथल मेयर ने भी किया था, इसलिए उनके प्रयास को भी हम देखेंगे, लोथल मेयर का तत्वों का वर्गीकरण। और इसके पश्चात जो वर्गीकरण के क्षेत्र में विस्तृत और गहन अध्ययन किया तथा एक बहुत अच्छा ढांचा प्रस्तुत किया था, वे थे आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव। और इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेवेजियर का। तो जैसे कि मैंने बताया, लेवेजियर ने उस समय ज्ञात 33 तत्वों को दो वर्गों में बांटा। एक वर्ग में उन्होंने रखा धातुओं को और बाकी तत्व को रखा वो अधातुओं को। लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि तत्व जो आक्सीकृत हो सकते हैं या फिर जिन्हें हम अम्ल से क्रिया कराएं तो ये लवण बनाते हैं, लेकिन ऐसे तत्वों को वर्गीकृत वो नहीं कर पा रहे थे जो कि धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण रखते थे। तो इस तरह से जो लेवेजियर का वर्गीकरण था वो काफी सीमित था। 1808 के पश्चात जो वर्गीकरण का एक नया आधार मिला था, उसके पश्चात कई वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, इसमें से फिर जो दूसरा वर्गीकरण हम कहेंगे वो है डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर ने 1817 में अपना एक नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। उनका जो आधार था वो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ही था। उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को समूह बनाए, तीन तीन के समूह बनाए, और उन समूहों को उन्होंने त्रिक या ट्रायड कहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने पहले समूह में रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। इसी तरह से दूसरा जो त्रिक बना उनका था वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। और इसी तरह से तीसरा उनका ट्रॉयड था, वह था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये त्रिक जो बनाया उन्होंने, उसके पश्चात उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखते हैं और तीन तीन के समूह में इन्हें समूहीकृत करते हैं, तो यहाँ पर मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी के जो तत्व है, यानी कि उसके ऊपर और नीचे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। और उन्होंने इसे सिद्ध भी किया। जैसे कि हम यहाँ पर देखें लिथियम, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, और नीचे आते हैं हम पोटेशियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 39। और यदि हम इसको जोड़ दें और जोड़कर इसका औसत निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 46/2, और यहाँ पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा 23। यानी कि उनके अनुसार चूंकि सोडियम लिथियम और पोटेशियम के मध्य में आ रहा है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 23। तो इस तरह से उन्होंने दूसरे समूह को भी देखा, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम,
यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो कैल्शियम है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, बेरियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 137, और यदि दोनों का जोड़कर औसत निकाला जाए तो हमें औसत द्रव्यमान प्राप्त होता है 87.5, और ये परमाणु द्रव्यमान है स्ट्रॉन्शियम का। इसी तरह से जो उन्होंने तीसरा त्रिक बनाया था वह था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 35, और फ्लोरीन का होता है 127, और यदि दोनों का औसत हम निकालें तो यहाँ पर औसत द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है 90, और इस तरह से जो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान हुआ यहाँ पर 90। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि यदि समान गुणों वाले तत्वों के तीन तीन के समूह बना दिए जाएं, तो वहां पर जो मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है वह ऊपर और नीचे पाए जाने वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। इस तरह से हमने देखा कि डोबेराइनर ने एक नए तरीके से तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर ये देखा गया कि बाकी के जो तत्व थे उनको वो इस प्रकार से तीन तीन के समूहों में समूहीकृत नहीं कर पाए। यदि हम अभी आज के आवर्त सारणी के अनुसार यदि देखें तो आप देख सकते हैं कि जो डोबेराइनर का पहला समूह था वह प्रथम वर्ग के तत्व का था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा जो उनका तत्व था वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का था, दूसरे वर्ग से था। इसी तरह से जो उनका तीसरा त्रिक था वो था हैलोजन समूह से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। लेकिन उस समय ज्ञात जितने भी तत्व थे उनमें से उन्होंने सिर्फ तीन ही त्रिक बनाए। इसके अन्य तत्वों के जो त्रिक बनाने में वो सफल नहीं हो पाए, और यही कारण था कि जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था वो बहुत ही सीमित था, बहुत ही कम तत्व, यानी कि कुल 9 तत्वों को इस तरह से वो वर्गीकृत कर पाए, शेष तत्वों का वर्गीकरण करने में वो सफल नहीं हो पाए, और इसीलिए जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था वह आगे चलकर सफल नहीं हो पाया, और हमें किसी एक और अच्छे वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु द्रव्यमान में संबंध ज्ञात हो जाने के पश्चात बहुत से वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। इसी क्रम में अगला प्रयास था ब्रिटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर न्यूलैंड का, जिसे हम अलेक्जेंडर न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते जाएं, तो वे इस प्रकार से क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, और प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रखता है। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के 7 सुरों से की। आप जानते हैं संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नी सा। यहाँ पर हम देखें कि जो पहले 7 सुर हैं उसके बाद जो सा है वह फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह उन्होंने कहा यदि हम तत्वों को इसी प्रकार से व्यवस्थित करते जाएं, तो जो आठवां तत्व होगा उसके गुण पहले वाले तत्व के से समानता रखेंगे। इसी तरह से आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश में या उसमें जो सुर होते हैं उन्हें हम कहते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो। तो यहाँ पर जो आठवां सुर है वह पहले सुर से समानता रखता है। इस तरह से उन्होंने अपने उस समय ज्ञात लगभग 56 तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने इस तरह से वर्गीकृत किया, तब यहाँ पर देखिए जो यहाँ से सा से शुरुआत की थी उन्होंने सा रे ग म प ध नी, तो इस तरह से उन्होंने पहले लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन को, उसके आगे लिखा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और सातवां जो तत्व था वह था ऑक्सीजन। इसके बाद जो अगला तत्व था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वो जो आठवां तत्व था फ्लोरीन, उसे उन्होंने हाइड्रोजन के नीचे स्थान दिया।
और ये भी देखा कि जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन के गुण आपस में समानता रखते थे। इसके पश्चात अगले जो आठवां तत्व था उसे उन्होंने लिथियम के नीचे रखा सोडियम, फिर इस तरह से बेरिलियम के नीचे रखा मैग्नीशियम को, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम को, कार्बन के नीचे सिलिकॉन को, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस को और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर को। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो नीचे आने वाले तत्व हैं वो पहले आने वाले या ऊपर आने वाले तत्वों से गुणों में समानता दर्शाते थे। इसी तरह से उन्होंने तीसरी लाइन भी लिखी, इसमें उन्होंने जो सल्फर है उसके बाद आने वाले तत्व को यानी कि क्लोरीन को उन्होंने फ्लोरीन के नीचे रखा, सोडियम के नीचे पोटेशियम रखा, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम रखा, एल्यूमिनियम के नीचे क्रोमियम को स्थान दिया तथा सिलिकॉन के नीचे ट्यूटेनियम को रखा, फास्फोरस के नीचे मैग्नीज को रखा और सल्फर के नीचे आयरन को रखा। तो इस तरह से उन्होंने अब उस समय ज्ञात 56 तत्वों को समूहीकृत करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि इस तरह से न्यूलैंड का जो अष्टक नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण था वह भी बहुत सफल नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी। सबसे कमी तो बड़ी जो कमी थी वो तो ये कि उन्होंने कह दिया था कि अब इस ब्रह्मांड में सिर्फ 56 तत्व ही होंगे और उन्होंने 56 तत्वों को इस तरह से अष्टक नियम के अनुसार बांटा। किसी भी नए तत्व के खोजे जाने या उनके मिलने के लिए उनके लिए रिक्त स्थान भी नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ अंतिम 56 तत्व ही होंगे। लेकिन इस तरह से जो उन्होंने अष्टक नियम लागू किया तो ये जो अष्टक नियम था कैल्शियम तक ही, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, वहां तक ही यह सीमित था। इसके आगे के तत्वों पर अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा था। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें कि ये जो गुणे थे जिसके अनुसार उन्होंने तत्वों को एक साथ रखा था, वहां पर आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे आयरन को रखा है, यानी कि जो असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है अधातुएं होती है, जबकि आयरन धातु है और उन आयरन के गुण ऑक्सीजन और सल्फर से बिल्कुल अलग होते हैं। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस के नीचे मैग्नीज को रखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो वहां पर केवल कैल्शियम तक ही गुणों में समानता दिखाई दी, लेकिन उसके आगे जहाँ पर हम देखें तो ये भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्व, अलग गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। तो इस तरह से न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वह भी आगे चलकर पूरी अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाया और इसके आगे चलकर हमें एक नए नियम की आवश्यकता महसूस हुई। इसी वर्ग में एक अन्य वैज्ञानिक का प्रयास बहुत ही सराहनीय था, वो थे वैज्ञानिक लोथल मेयर, जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ तत्वों के परमाणु आयतन संबंधी गुण का भी उपयोग तत्वों के वर्गीकरण के लिए किया। उन्होंने तत्वों के आयतन तथा उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच एक ग्राफ खींचा। तत्वों के आयतन ज्ञात करने के लिए उन्होंने ठोस अवस्था में परमाणु के द्रव्यमान तथा उसे घनत्व से डिवाइड करके सभी तत्वों के आयतन प्राप्त किए और उसके पश्चात उन्होंने परमाणु के आयतन तथा उसके द्रव्यमान के मध्य एक ग्राफ खींचा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का ग्राफ उन्हें प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं कि ग्राफ में हमें एक जिग जैग के समान वक्र प्राप्त होता है। यहाँ पर जो वक्र है पहले ऊपर जाता है, फिर हमें शीर्ष बिंदु प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात वह फिर से नीचे आता है, हमें गर्त प्राप्त होते हैं, उसके बाद फिर से यह ऊपर की तरफ जाता है और हमें शीर्ष प्राप्त होते हैं। जब उन्होंने पूरा सारे तत्वों के आयतन और परमाणु द्रव्यमान के बीच ग्राफ तैयार कर लिया, उन्होंने पाया कि जो यहाँ पर शीर्ष थे उसमें जो तत्वों ने स्थान प्राप्त किया वो लिथियम के अलावा सभी क्षारीय धातुएं थी।
जिन्हें हम आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें प्रथम वर्ग में रखते हैं, यानी कि शीर्षों पर उन्हें सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम प्राप्त हुए। इसी तरह से जो हैलोजन तत्व हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन्होंने वक्र के आरोही भाग पर स्थान प्राप्त किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आरोही चढ़ता हुआ जो ग्राफ है, वहाँ पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इन्होंने इस वक्र के अवरोही भाग पर, जो उतरते हुए भाग पर, इन्होंने स्थान प्राप्त किया। इसी तरह से जो अक्रिय गैसें थीं, उन्होंने भी आरोही भाग पर स्थान प्राप्त किया, और ये जो हैलोजन थे उनके कुछ पहले इन्होंने स्थान प्राप्त किया। इसी तरह से जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम थे, इन्हें वक्र में सबसे निचले स्थान पर स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही साथ जितने भी मेटलॉइड थे या फिर संक्रमण धातुओं थीं, उन्हें भी इस वक्र के निचले भाग पर, यानी कि गर्त के पास, इन्हें स्थान प्राप्त हुआ। इन अवलोकन को देखने के पश्चात लोथल मेयर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक वक्तव्य दिया। उनका कहना था कि समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तत्वों के जो परमाणु आयतन है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। यानी कि यदि हम आयतन और द्रव्यमान के बीच ग्राफ खींचते हैं तो समान गुणों वाले जो तत्व हैं उनके उन्हें समान स्थान प्राप्त होता है, यानी कि एक समान अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम, जिसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद जैसे जैसे वो अन्य तत्वों का यहाँ पर आयतन और परमाणु द्रव्यमान के बीच ग्राफ खींच रहे थे तो वो नीचे की तरफ आते गए, कुछ तत्व गर्त पर स्थान प्राप्त किए, उसके पश्चात वक्र फिर से ऊपर की तरफ गया और जो सोडियम से समानता रखता था वह तत्व पुनः एक निश्चित अंतराल के पश्चात शीर्ष पर स्थान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो तत्वों के परमाणु आयतन होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्तिता से यहाँ पर मतलब होता है रिपीटेशन, तो पुनरावृत्ति होना। तो इस तरह से आप कहेंगे कि लोथल मेयर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्ती शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से अपने इस परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लोथल मेयर ने उन तत्वों का, जो भी उन्हें उस समय ज्ञात तत्व थे, उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ तत्वों का वर्गीकरण 1864 तक कर दिया था और लगभग 1868 तक उन्होंने काफ़ी तत्वों का वर्गीकरण कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब लोथल मेयर अपना ये वर्गीकरण कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें मेंडलीम के नाम से जानते हैं वह भी अपना कार्य कर रहे थे। दुर्भाग्यवश लोथल मेयर अपना पेपर 1870 तक पब्लिश नहीं कर पाए और उसके तो अगले ही वर्ष मेंडलीव ने अपना जो विस्तृत और उनसे अधिक सरल आवर्त सारणी प्रस्तुत कर दी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गीकरण, जो तत्वों के वर्गीकरण का यदि हम इतिहास लें तो उसमें लोथल मेयर के कार्य को हमेशा सराहनीय माना गया है, और जो उन्होंने आवर्ती शब्द का प्रयोग किया था इसे मेंडलीव ने उपयोग किया और उन्हें अपने तत्वों के वर्गीकरण में इससे एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो आइए अब हम जानते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी किस प्रकार थी, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवोनोविच मेंडलीव को दिया जाता है। उन्होंने, और इसीलिए उनके कार्य को देखते हुए उन्हें आवर्त सारणी का जनक या आवर्त सारणी का पिता, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मेंडलीव ने विभिन्न तत्वों को, उस समय मेंडलीव के समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी।
विभिन्न तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए मेंडलीव ने उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को आधार के रूप में चुना और रासायनिक गुणों के आधार के रूप में मुख्य रूप से उन्होंने देखा कि तत्व ऑक्सीजन के साथ तथा हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार की क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले यौगिकों का चयन करने के पीछे उनका कारण यह था कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व हैं काफ़ी सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ ये क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जैसे कि लिथियम। लिथियम जब हाइड्रोजन से के साथ क्रिया करता है तो लिथियम का हाइड्राइड बनाता है जिसका सूत्र होता है LiH। यहाँ पर धातु के लिए मेंडलीव ने R संकेत उपयोग किया और इस तरह से इस प्रकार के हाइड्राइड को उन्होंने RH के द्वारा प्रदर्शित किया। इसी तरह से हम जानते हैं कि सोडियम भी जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो NaH यानी कि RH प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। इसी तरह से जब हम इनकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखते हैं तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Li2O बनाता है, यानी कि इस प्रकार के जो ऑक्साइड हैं उन्होंने R2O प्रकार कहा। इसी तरह से सोडियम भी R2O प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। दूसरी ओर यदि हम क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, जैसे कि बेरिलियम, बेरिलियम की जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी तो जो हाइड्राइड बनेगा वह BH2 होगा, यानी कि इस प्रकार के हाइड्राइड को हम RH2 कहेंगे। साथ ही साथ मैग्नीशियम भी इसी प्रकार का हाइड्राइड बनाएगा RH2। जब इनके ऑक्साइड को हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बेरिलियम है वह भी जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो BeO प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, इसे मेंडलीव ने RO प्रकार का ऑक्साइड कहा। इसी तरह से मैग्नीशियम भी RO प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा हम और देख सकते हैं जैसे कि कार्बन, कार्बन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो CH4 हाइड्राइड बनाता है जिसे मेंडलीव ने RH4 प्रकार कहा। इसी तरह से हम कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि इस प्रकार के ऑक्साइड को हम RO2 कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम फ्लोरीन हैलोजन की भी क्रिया देखते हैं तो फ्लोरीन जैसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके FH प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, इसे RH प्रकार कहा गया। और इसी तरह से जब फ्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो यह ऑक्साइड जो बनता है वह होता है F2O7, यानी कि इस प्रकार के ऑक्साइड को मेंडलीव के द्वारा R2O7 प्रकार कहा गया। तो इस तरह से उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों के रासायनिक गुणों को उन्होंने पहचान लिया और इसके पश्चात उन्होंने 63 कार्ड एकत्रित किए। सभी कार्डों में उन्होंने प्रत्येक कार्ड में पहले तत्व का नाम, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को लिखा। इसके पश्चात जो समान गुणों वाले तत्व थे उसे उन्होंने समूहित करने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि सभी को एक परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने एक वर्ग में, एक समूह में उन्हें रख दिया। और जब उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखकर समूहीकृत किया तो उन्होंने देखा कि सभी तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज हो गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो समान गुणों वाले धर्मों को एक के नीचे एक रखते हुए अपनी जो सारणी है वह प्रस्तुत कर दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी पाया कि समान गुणों वाले जो तत्व थे वो एक निश्चित अंतराल के पश्चात फिर से रिपीट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं संडे या रविवार के बाद फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के बाद फिर से संडे आता है, इसे ही हम कहते हैं आवर्ती। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो सप्ताह है वह दिनों का आवर्ती फलन है, है ना, जो सप्ताह है वह दिनों का आवर्ती फलन है। इसी तरह से जो मेंडलीव थे उन्होंने अपना आवर्त नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि जब तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर
बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, और इसीलिए मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम प्रस्तुत किया। उनका आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखते चले जाएं, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें मुख्य रूप से जो खड़े कॉलम थे उनसे उन्होंने वर्ग या समूह कहा, और इनकी संख्या थी 8। और यहाँ पर हम बताते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग था उसे पुनः उपवर्गों ए और बी में बांटा गया था। ये पहले से लेकर 7वें वर्ग को ए और बी में बांटा गया था, जो 8वां वर्ग था उसे वर्गीकृत और ए और बी में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां थीं उन्हें पीरियड या आवर्त कहा गया, उनकी संख्या आप देख सकते हैं यहां पर 6 थी। तो इस प्रकार से जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें उस समय ज्ञात तत्वों को, जो 63 तत्व थे, उसे उन्हें वहां पर प्रस्तुत किया गया। इस आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने किसी भी तत्व की किसी भी वर्ग में स्थिति का निर्धारण उनके रासायनिक गुणों के आधार पर किया था, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइडों तथा हाइड्राइडों के आधार पर किया था। यहां पर हम बताते हैं कि मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक गुणों या समान गुण धर्मों को ज्यादा महत्व दिया था। इसके अलावा किसी भी वर्ग या समूह की जो क्रम संख्या थी वह उस तत्व या उस समूह में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता दर्शाती थी। जैसे कि जो प्रथम वर्ग था उसमें जो उनके तत्व के ऑक्साइडो थे वो R2O प्रकार के थे, इसलिए जो प्रथम वर्ग के तत्वों की संयोजकता थी वह 1 थी। इसी प्रकार से जो द्वितीय वर्ग के तत्व थे उनके ऑक्साइड RO प्रकार के थे, जो कि ऑक्सीजन के साथ 2 संयोजकता को दर्शाते थे। तो इस तरह से हम देखें कि किसी भी वर्ग या समूह की जो क्रम संख्या थी वह उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता दर्शाती थी। इस तरह से मेंडलीफ के द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था वह अब तक का सबसे सफल वर्गीकरण था। उनकी वर्गीकरण के जो आवर्त सारणी है उसकी उपलब्धियां यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह तत्वों के अध्ययन में सहायक थी। यहां पर हम देखें कि जो मेंडलीफ के वर्गीकरण है उसमें यदि हम आवर्त में चलते हैं, यदि हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो तत्वों के गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी तरह से यदि हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर तत्वों के गुणों में समानता देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें वर्ग के किसी एक तत्व के गुणों के बारे में जानकारी है तो हम बाकी तत्वों के गुणों के बारे में भी उनकी अनुमान लगा सकते हैं या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी तत्वों के अध्ययन में काफी सहायक सिद्ध हुई, यानी कि एक समूह के तत्वों में से किसी एक के गुणों के बारे में जानकारी हो जाने पर हम बाकी के तत्वों के गुणों का अनुमान लगा सकते थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी या उपलब्धि थी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की वह यह थी कि नए तत्वों की खोज में सहायक हुई। मेंडलीफ ने, आप देख सकते हैं, जब अब तत्वों का वर्गीकरण किया तो वहां पर उन्होंने कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरोन के नीचे एक रिक्त स्थान है, इसी तरह से एल्यूमिनियम के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा गया था, साथ ही साथ यहाँ पर सिलिकन के नीचे भी एक रिक्त स्थान छोड़ा गया था। तो इस रिक्त स्थान को मेंडलीफ ने दोष न मानते हुए वहां पर भविष्य में पाए जाने वाले
तत्व के गुणों के बारे में भविष्यवाणी की। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इस रिक्त स्थान पर इस प्रकार का यहाँ पर तत्व आएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान यह होगा तथा उसके भौतिक या रासायनिक गुण इस प्रकार से होंगे, जो कि आगे के वैज्ञानिकों के को एक दिशा मिल गई कि यहाँ पर उन्होंने नए तत्वों की खोज की। साथ ही साथ ये जो उन्होंने रिक्त स्थान खोजा था और जिनके गुणों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनके लिए उन्होंने नामकरण भी कर दिया था। और नामकरण करने के लिए उन्होंने उस रिक्त स्थान के पहले या ऊपर आने वाले तत्व के नाम के पहले पूर्व लग्न एका लगाकर उन्होंने तत्व का नामकरण किया था। जैसे कि बोरॉन के नीचे रिक्त स्थान था, तो वहां पर आने वाले तत्व का नामकरण करने के लिए उन्होंने एका बोरॉन किया, उसमें जो बोरॉन है उसके सामने पूर्व लग्न एका लगाया और उसका नामकरण किया एका बोरॉन। इसी तरह से एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले तत्व के लिए उन्होंने नामकरण किया एका एल्यूमिनियम तथा सिलिकन के नीचे आने वाले तत्व के लिए उन्होंने नामकरण किया एका सिलिकन। यहाँ पर हम बता दें कि ये जो एका उपसर्ग का उपयोग उन्होंने किया, यह संस्कृत से लिया गया शब्द था। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने रिक्त स्थान में छोड़े गए थे वहाँ पर आने वाले तत्वों के गुणों के बारे में भी बता दिया था और उसके उनका नामकरण भी कर दिया था, जो कि भविष्य में वैज्ञानिकों के लिए नए तत्व की खोज में सहायक सिद्ध हुई। और बाद में ये जो नए तत्व खोजे गए थे, यह जो एका बोरॉन था वह था स्कैंडियम के नाम से जिसे हम जानते हैं, एका एल्यूमिनियम जिसे हम गैलियम के नाम से जानते हैं तथा एका सिलिकन जिसे हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं, इनकी खोज बाद में की गई तथा उन्हें उस स्थान पर रखा गया जो स्थान मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ते हुए इनके लिए दिया था। इसके बाद एक और उपलब्धि हम देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, वह यह है कि संदिग्ध परमाणु भार में सुधार किया गया। पहले इस तरह से वर्गीकरण के पहले अभी तक बेरिलियम को त्रिसंयोजी माना जाता था और त्रिसंयोजी मानते हुए इसे एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि इनकी जो गुण थे वो एल्यूमिनियम से काफ़ी मिलते जुलते थे, इसीलिए उसे त्रिसंयोजी मानते हुए मेंडलीफ ने इसे एल्यूमिनियम के नीचे रखा। लेकिन और इस तरह से जब इसका परमाणु द्रव्यमान निकाला गया तो यह परमाणु द्रव्यमान 13.5 आया। और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उन्होंने जो फार्मूला दिया वह था परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता। तो यहाँ पर जब तीन संयोजकता मानी जाती थी बेरिलियम की, उसके आधार पर इनके तुल्यांकी भार 4.5 × 3 करके इसका जो परमाणु द्रव्यमान निकला था वह था 13.5। और इस तरह से इसे जो आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए था वह था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो कोई स्थान खाली ही नहीं था। तो इस तरह से मेंडलीफ ने यह देखा कि इसका जो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान है वह सही नहीं है, इसलिए अब बेरिलियम को त्रिसंयोजी न मानते हुए द्विसंयोजी माना गया। और इसके लिए इसके फिर से परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई और वह 4.5 × 2 = 9 हुआ। और इस तरह से इसे लिथियम तथा बोरॉन के बीच परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिथियम और बोरॉन के बीच स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेरिलियम का जो परमाणु द्रव्यमान था उसके अनुसार उसकी सही स्थिति आवर्त सारणी में नहीं बन रही थी, उसे परमाणु द्रव्यमान को सुधारते हुए उसे सही परमाणु द्रव्यमान तथा आवर्त सारणी में सही स्थिति प्राप्त हुई। इसी तरह से यूरेनियम का भी जो परमाणु द्रव्यमान था पहले 120 माना गया था जो कि सही नहीं था, और बाद में फिर इसे 240 किया गया जो कि उसके गुणों के आधार पर बिल्कुल सही था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो कुछ संदिग्ध परमाणु द्रव्यमान को सुधारने में भी सहायक सिद्ध हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वह काफ़ी अच्छी व्यापक थी तथा बहुत सारे तत्वों को वह वर्गीकृत करने में सफल थी। लेकिन फिर भी
कुछ ना कुछ इसमें कमियां थी। तो आइए जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो कौन सी कमियां थी जिसे बाद में सुधारने का प्रयास किया गया और बाद में सुधार कर उसे एक नया रूप दिया गया जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सी कमियां या कहें कौन सी सीमाएं थी। तो सबसे पहले तो ये था कि हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था। हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर मेंडलीव ने जो वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को ध्यान दिया था और यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन प्रथम वर्ग यानी कि फर्स्ट ए समूह के तत्वों के अनुसार या प्लस एच प्लस आयन भी बनाता था और इस प्रकार से यौगिक बनाता था। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि फर्स्ट ए समूह में है सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करता है या सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो वह NaH या NaCl कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन भी जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो HCl कंपाउंड बनाता है। इसी तरह से यह जो सेवंथ ए समूह के तत्वों के साथ भी समानता रखता है और इस प्रकार से यह उनके अनुसार जैसे क्लोरीन Cl- आयन बनाते हैं उसी तरह से हाइड्रोजन H- आयन भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि हाइड्रोजन प्रथम ए फर्स्ट ए समूह के तत्वों के साथ भी समानता रखता था जबकि सेवंथ ए समूह के तत्वों के साथ भी समानता रखता था। तो इसलिए वहाँ पर मेंडलीव उसके स्थान को सुनिश्चित नहीं कर पाए कि इसे प्रथम ए समूह के तत्वों के साथ रखा जाए या सेवंथ ए समूह के तत्वों के साथ रखा जाए। दूसरी बात थी समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। हम जानते हैं कि समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान यानी कि एक होती है लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। हम जानते हैं प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, ड्यूटेरियम का दो होता है और ट्रिटियम का तीन होता है। तो चूंकि मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था तो उन्हें हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को भी तीन अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था लेकिन मेंडलीव ने उसके लिए एक ही स्थान सुनिश्चित किया था। इसी तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी यह भी दिखाई देती है कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले स्थान दे दिया गया था क्योंकि हम बताते हैं मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। इस आधार पर उन्होंने कई जगह पर परमाणु भार को ध्यान न रखते हुए गुणों को ध्यान में रखते हुए तत्वों को समूहीकृत कर दिया था और इस आधार पर कई बार कई जगह पर देखने में आता है कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व पहले आ गए थे जबकि कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व बाद में रखे गए थे। उदाहरण के लिए हम देखें कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 58.9 उसे निकिल के पहले स्थान दे दिया गया था जबकि निकिल का परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हैं यह होता है 58.7। इसी तरह से टेल्यूवियम इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 127.6 जबकि आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 127 लेकिन टेल्यूवियम को आयोडीन से पहले स्थान दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले स्थान दिया गया जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो एक दोष है क्योंकि उनकी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने के अनुसार थी। उनका जो आवर्त नियम था वह भी इसी पर आधारित था लेकिन उन्होंने कई स्थानों पर इस नियम की अवहेलना की। इसके पश्चात हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का नियमित रूप से आगे न बढ़ना। मेंडलीव ने तत्वों की जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज किया था
उस समय यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि जो दो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों में कम अंतर दिखाई देता है, अगले जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों में ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम था वह नियमित रूप से नहीं था। इसकी वजह से यहाँ पर परेशानी यह आती थी कि जहाँ पर कम स्थान द्रव्यमान में कम अंतर है और जहाँ पर द्रव्यमान में अधिक अंतर है उनके बीच कितने नए तत्व आ सकते हैं, इसे सुनिश्चित करने में कठिनाई होती थी। तो यह भी एक दोष था मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। इसके अलावा हम देखें कि एक ही वर्ग के जो दो उपवर्ग थे, यानी कि जैसे हम देखें फर्स्ट ए समूह जो पहला वर्ग था उसमें दो उपवर्ग थे ए और बी, और इन उपवर्गों में केवल संयोजकता में समानता थी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक समूह में जो भी तत्व रखे गए थे उनकी संयोजकता समान थी और वो संयोजकता जो थी वो वर्ग के क्रमांक के अनुसार ही थी। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी इन तत्वों में केवल संयोजकता में समानता होने की वजह से बहुत से ऐसे तत्वों को एक साथ रख दिया गया जिनके गुण आपस में समान नहीं थे। जैसे कि हम देखें प्रथम वर्ग में हम देखें जो फर्स्ट ए तत्व है उसमें है पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, दूसरी ओर उनके साथ जो फर्स्ट बी के तत्व हैं वहां पर रख दिया गया है कॉपर सिल्वर और गोल्ड को, जिनके गुण पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के गुणों से बिल्कुल भिन्न है। तो इस तरह से हम देखें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत ही व्यापक थी, सरल थी, विस्तृत थी और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और अब तक का सबसे सफल प्रयास था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियाँ थीं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष होने के बावजूद भी इनकी आवर्त सारणी को सबसे अब तक की सफल आवर्त सारणी माना जाता है, और इसीलिए जैसे कि मैंने पहले बताया मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। साथ ही साथ उन्हें सम्मान देने के लिए हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में जो 101 नंबर का तत्व है उसे उन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया है, और इसे जिसे हम कहते हैं मेंडलीवियम। तो जो 101 नंबर का तत्व है उसका नाम है मेंडलीवियम, जो कि मेंडलीफ के नाम पर आधारित है उन्हें सम्मान देने के लिए। आगे बढ़ते हैं तत्वों के वर्गीकरण में। बहुत से वैज्ञानिक अभी भी तत्वों के वर्गीकरण के पीछे कार्य कर रहे थे, एक मजबूत आधार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मोज़ले का जो कार्य था वह यहाँ पर एक सराहनीय कार्य था। उन्होंने जैसे कि मेंडलीफ ने अभी तक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था, क्योंकि अब तक रेडियो एक्टिविटी की खोज हो चुकी थी, एक्सरे किरणों की खोज हो चुकी थी, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले ने अब तत्वों के एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। उन्होंने अब तक उपलब्ध जितने भी तत्व थे, जितने भी तत्वों की पहचान हो चुकी थी, उन सभी तत्वों के एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि जो तत्वों की एक्सरे की तरंग लंबाई होती है वह तरंग लंबाई और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के जो क्रमांक होते हैं उनके बीच एक गहरा संबंध होता है। और इस तरह से जो मेंडलीफ के समय तक जो परमाणु द्रव्यमान अभी तक तत्व की पहचान हुआ करती थी, अब वह मोज़ले के काम के फलस्वरूप इस तत्व के एक नए गुण को पहचान मिली, और वह गुण था तत्व का परमाणु संख्या। जिसे यहाँ पर हम बता दें कि जो परमाणु संख्या है, आपने पहले भी पढ़ा है इसे, परमाणु संख्या का मतलब है किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। मोज़ले का कहना था कि परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया जाना चाहिए। मोज़ले ने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण
उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम परमाणु संख्या के आधार पर करते हैं और इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान न रहकर परमाणु संख्या होना चाहिए। और इसके पश्चात इसी क्रम में उन्होंने मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधन करते हुए सन 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करते चले जाएं, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है और इस आधार पर एक नए नियम के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील बोर ने मोज़ले के नियम के अनुसार तत्वों को फिर से व्यवस्थित किया और इस प्रकार से एक नई आधुनिक आवर्त सारणी हमें प्राप्त हो गई, जिसे हम आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इस तरह से बोर ने उस समय ज्ञात 92 तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर दिया और यह अब तक का सबसे सफलतम वर्गीकरण था, जिसे हम आप अभी पढ़ रहे हैं और इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे और तत्वों की जो मानव निर्मित तत्वों की खोज होती गई, उन्हें भी इसके बाद स्थान दिया गया और अब तक हमारे पास कुल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। कुछ तत्वों के रासायनिक गुणों की अभी के बारे में अभी भी अध्ययन चल रहा है, लेकिन आवर्त सारणी में हमारे पास कुल 118 तत्व यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं या जानने का प्रयास करते हैं हमारी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी इसके स्वरूप कैसा है तथा इसके कौन कौन से गुण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास है आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। इस आवर्त सारणी में हम देखें कि जो ऊर्ध्व खाने हैं, जिसे वर्ग या समूह कहा जाता है, इनकी संख्या 18 है, जबकि जो 36 पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं इनकी संख्या 7 है। आइए अब जानते हैं कि समूह या ग्रुप की क्या विशेषताएं होती हैं। जिस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी संयोजकता के आधार पर सुनिश्चित की गई थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सुनिश्चित की गई है। यानी कि यदि हम समूह एक के तत्व को लें, तो इनके समूह एक के तत्वों के सभी के एक समूह के तत्व के सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होते हैं। जैसे कि हम प्रथम समूह में लें, तो प्रथम समूह के तत्व में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम, जिसका परमाणु संख्या होती है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें यहाँ पर होगा 2, 8, 1, तो इसके भी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से पोटेशियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 19, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम, तो यहाँ पर 2, 8, 8, 1 होता है, यानी कि इनके भी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से हम देखें रुबिडियम, सीजियम, इनके भी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि एक समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इसीलिए इन्हें एक समूह में स्थान दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि पहले, दूसरे तथा यहाँ पर समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन तत्वों को सामान्य तत्व कहा जाता है या इन्हें हम प्रारूपी तत्व कहते हैं। इसके अलावा आप बीच में मध्य में देख रहे हैं वर्ग 13 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ पर समूह 3 में ही आप देखेंगे
तो समूह तीन में लंथेनम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लंथेनम जिसका परमाणु संख्या है 57। इसके बाद के जो 14 तत्व हैं इनको नीचे आप देख सकते हैं, आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है और जो इन्हें एक साथ लेंथेनाइड कहा जाता है, इस क्योंकि इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। इसके बाद यहीं पर हम देखेंगे तीसरे ग्रुप में ही आप देखें एक्टिनियम जिसकी परमाणु संख्या है 89। इसके बाद के 14 तत्वों को भी नीचे आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है और इन्हें हम एक साथ एक्टिनाइड कहते हैं। यहाँ पर हम ये बता दें कि इन्हें नीचे रखने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, केवल आवर्त सारणी को एक सुविधाजनक स्वरूप देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। कई बार आप देखेंगे कि आवर्त सारणी का एक रूप आपको वह भी दिखाई देगा जहां पर लेंथेनम के बाद के जितने लेंथेनाइड तत्व हैं एक साथ रखे होंगे, एक्टिनियम के बाद के जितने जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो एक साथ रखे हुए दिखेंगे, लेकिन उससे जो आवर्त सारणी का स्वरूप काफ़ी अधिक लंबा हो जाता है जिसे हम एक पेज में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं और इसीलिए केवल सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार से इन लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को नीचे स्थान दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कौन कौन सी विशेषता है। यहाँ पर हम देखें कि जो आवर्त हैं इसमें जब हम यानी कि जो 36 पंक्तियां हैं जब हम इसमें बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोशों की संख्या सभी में समान होती है। एक आवर्त में सभी तत्वों के कोशों की संख्या समान होती है। साथ ही साथ जब हम इन बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो इनके परमाणु संख्या में क्रमशः एक की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 है, तो यहाँ पर उसके बाद मैग्नीशियम उसकी परमाणु संख्या 12 है। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इनकी परमाणु संख्या में एक के बाद एक की वृद्धि होती है। साथ ही साथ इनके जो संयोजी कोश हैं उसमें संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी एक एक करके वृद्धि होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि कुल हमारे पास जो 36 पंक्तियाँ हैं वह 7 हैं और प्रथम यदि हम आवर्त को लें, वास्तव में ये जो आवर्त हैं यह तत्वों के चारों ओर पाए जाने वाले कोशों की संख्या को भी दर्शाते हैं। जैसे कि प्रथम आवर्त में जितने भी तत्व उपस्थित होंगे उनमें केवल एक ही कोश एक ही शैल पाई जाएगी। इसी तरह से द्वितीय आवर्त में जितने तत्व हैं उनमें नाभिक के चारों ओर दो कोश या शैल उपस्थित होंगे। इसी तरह से यदि हम सातवें आवर्त की बात करें तो सातवें आवर्त में तत्व के नाभिक के चारों ओर कुल 7 कोश उपस्थित होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवर्तों की जो संख्या है वह उस आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों के में उपस्थित कोशों की संख्या को भी दर्शाती है। और यदि हमें प्रत्येक कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी आवर्त में कुल कितने तत्व उपस्थित होंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या है वह भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार निर्धारित करते हैं और किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार होती है। तो यहाँ पर जो k शैल होते हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी 2। इसी तरह से L शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 8। तो इस तरह से हम देखें कि जो प्रथम आवर्त है उसमें केवल एक ही कोश पाया जाता है और इसलिए इसमें इस आवर्त में कुल 2 ही तत्व उपस्थित होंगे। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय आवर्त में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन
भरे जा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर इस आवर्त द्वितीय आवर्त में कुल तत्वों की संख्या होगी 8। इसी तरह से हम तीसरे आवर्त में यदि देखें तो तीसरे आवर्त में यदि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखें तो जो एम शेल इसमें 3 कोश होंगे और 3 कोश में जो के एल के बाद जो एम शेल होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जो बाह्यतम कोश है ना, बोरबरी के परमाणु मॉडल के अनुसार तत्व के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो सकती और इसीलिए तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8 ही होती है। तो इस तरह से आगे के जो आवर्त हैं वहां पर भी जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अलग अलग आधार पर तत्वों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमारे पास आवर्त हैं उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय आवर्त इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है, इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है और इनमें तत्वों की संख्या होती है 2, 8 और 8। इसके बाद के जो दो आवर्त हैं यानी कि चौथे और पांचवे आवर्त को यहाँ पर दीर्घ आवर्त कहा जाता है जिसमें कुल तत्वों की संख्या होती है 18, 18। इसके बाद के जो दो आवर्त हैं यानी कि छठा और सातवें नंबर के आवर्त हैं इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है और इनमें तत्वों की संख्या 32, 32 होती है। और इस तरह से आप टोटल करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो कुल तत्वों की संख्या है वह 118 हो जाती है। इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी की यदि हम मुख्य विशेषताएं को कुछ बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है यानी कि इसमें तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सुनिश्चित की गई है। तीसरी, ये महत्वपूर्ण विशेषता यह कि यह जो आवर्त सारणी है वह तत्वों के रासायनिक गुणों या तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को अधिक मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और चौथी बात, एक और बिंदु जो हम दर्शाना चाहेंगे वो ये कि जिस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था क्योंकि यह प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं के साथ ही साथ हैलोजन 17वें वर्ग के हैलोजन तत्वों के साथ भी गुणों में समानता रखते थे, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अभी भी अनिश्चित है क्योंकि यह प्रथम वर्ग के तत्वों के साथ धनायन बनाने की वजह से समानता रखता है, साथ ही साथ हैलोजन जो 17वें वर्ग के तत्व हैं उनके अनुसार भी चूंकि यह ऋणायन भी बनाता है और उनसे भी गुणों में समानता रखता है, इसलिए अभी आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन के लिए कोई सुनिश्चित स्थान नहीं है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसे प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं उसके शीर्ष पर स्थान दिया गया है। तो इस तरह से हम देखें कि हम जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह विस्तृत इसका रूप है, वह तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को भी दर्शाती है तथा जितने तत्व हमारे पास उपलब्ध हैं 118 तत्वों को गुणों के आधार पर स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करती है।